गुजरात थाना लारी अड्डा के इलाका में किराना स्टोर पर खरीदारी के लिए आने वाली हथून के साथ फाश हरकत करने वाला दुकानदार गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक नामालूम दुकानदार किराना स्टोर पर सौदा सलफ के लिए आने वाली एक खतून के साथ फाश हरकत कर रहा है। डीपीओ गुजरात सैयद तौसीफ हैदर ने इस वीडियो का फौरी नोटिस लेकर SHO थाना लारी अड्डा आमिर सईद को मजकूरा दुकानदार को ट्रेस करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हदायत की। इस बार SHO थाना लारी अड्डा रोड की टीम ने वीडियो में मौजूद दुकानदार को ट्रेस कर लिया और उसके खिलाफ पुलिस की मदद में जेर दफा 294/354 पे मुकदमा दर्ज करके मुलजम को चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुलजम मोहम्मद नईमल मोहम्मद सदीक जिला मेंबर आजाद कश्मीर का रहायशी है और उसने गुजरात नवाशी पार्क के करीब अल मदीना किराना स्टोर के नाम से दुकान बना रखी है जिसके खिलाफ मजीद इंटरोगेशन जारी है। डीपीओ गुजरात से तौसीफ हैदर ने कहा की जिला में किसी भी दुकानदार को लॉकडाउन में शटर बंद करके दुकानदारी की इजाजत ना है। लॉकडाउन के खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वैसा गुजरात के सर्वे के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें रेलवे रोड रामतलाई रोड सरगोधा रोड व दीगर रोड पर मुख्तलिफ दुकानों के शटर नीचे करके अक्सर खवातीन शॉपिंग करती नजर आती है। जरूरी नहीं की हर कोई गलत हो मगर इस सिलसिला में हुकूमती अहकाम की खिलाफवर्जी भी की जा रही है। मुतलका इलाकों की पुलिस मंत्रियाँ लेकर कोई कार्रवाई न करने से कासर है। अवामी हल्कों ने अहकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट मिर्जा हुरम हुसैन वाइस ऑफ गुजरात।